أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल तारीख की एक ऐसी कौम है जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा पैगंबरों को मबूस फरमाया जो हर दौर में इस कौम की रहनुमाई करते रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लंबे अरसे तक बनी इसराइल को दूसरी अकवाम पर सबकत अता फरमाया और दुनियावी अरूज अता फरमाया। इसी तरह बनी इसराइल को बेशुमार नियमतों से भी नवाजा गया था और मुकद्दस सरजमीन भी अता की गई थी। इसके बावजूद भी यह कौम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमान साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की पमाली की और हर दौर में शिरक में मुबतला रहे। यह मुजरिम कौम जब अजाब में मुबतला होती तो अपने पैगम्बरों पर ईमान लाकर इनकी पैरवी करना शुरू कर देती, मगर जैसे ही इन पर अजाब टल जाता तो वह दोबारा हक के मुनकर बन जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतल्लिक बहुत सारे वाकयात का जिक्र है, जिनमें से एक काबिले जिक्र वाकया सामरी जादूगर का वाकया है जिसने बनी इसराइल को बहकाकर इन्हें एक बछड़े की पूजा में लगा दिया था। रिवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्ने जफर था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था उस साल फिरौन ने तमाम इसराइली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया था। जब सामरी की माँ को यह खतरा महसूस हुआ कि फिरौन के सिपाही इस बच्चे को कत्ल कर देंगे तो उसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया था और ऊपर पत्थर से बंद कर दिया था। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस बच्चे की हिफाजत और गिजा देने के काम पर मामूर फरमा दिया। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे को चिटा देते जिससे दूध और शहद जारी हो जाता। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और इसी गार में वो पल कर बड़ा हो गया। इसका नाम भी मूसा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। एक तरफ मूसा सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत यह हुई कि फिरौन के घर पर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया। नाज़रीन गिरामी, दरअसल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की कौम को फिरौन की गुलामी से निजात अता फरमाई और फिरौन को इसके लश्कर समेत दरिया नील में गर्क कर दिया तो यह कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया कि इन्हें मुकद्दस किताब तौरात अता की जाएगी जो बनी इसराइल और बाद के आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म हुआ कि वह 30 रातों के लिए कोहे तूर पर क्याम करें, इसके बाद इन्हें तौरात दी जाएगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके इन्हें यह काम सौंपा कि जब तक आप कोहे तूर से वापस ना लौटें वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और इनका इंतजाम संभालेंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए जहां आप अलैहिस्सलाम पूरे एक माह रोजे और इबादत में मशगूल हो गए। इधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया, लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा किया। मूसा सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके साथ आया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर वापस आने में ताखीर हुई और 30 दिन से भी ज्यादा हो गए तो सामरी जादूगर ने बनी इसराइल में यह अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई। उसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो ताकि आगे सफर में यह कीमती सामान कहीं खो न जाए, क्योंकि वो एक मुअज्ज़ज़ शख्स माना जाता था। लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोना चांदी इसे दे दिया। उसने आग की एक भट्टी जलाई और इस तमाम जेवरात को इस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोना चांदी पिघलने लगा
और इस भट्टी से एक गाय के बछड़े की शक्ल की एक मूर्ति निकली। सामरी के पास इस जगह की मिट्टी थी जिस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी इस बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज निकालने लगा। चुनाचे सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने खुदा की तलाश में कोह तूर पर गए हैं, जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ ले आया है। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा, यही खुदा है। इसकी इस गुमराहकुन तकरीर से बनी इसराइल को इस बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया। उन्होंने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और इसके आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के इस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उधर कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन रोजा और इबादत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मिला, जो 10 मुकद्दस तख्तियों पर तहरीर किया गया था। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कुफर शिरक की बू आ रही थी और लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए और आप अलैहिस्सलाम पर जलाल तारी हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी से पकड़ कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिरक कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल कम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकी अमल पर मलामत करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल मामूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी और यही मुझे भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और इसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिए। रिवायतों में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखिब करके कोह तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़े पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाए। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे और साले आदमियों को साथ लिया और कोह तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग वहां माफी तलब करने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला को अपने सामने न देखें। ये 80 आदमी अपनी जिद पर कायम रहे कि हमको अल्लाह तबारक व तआला की दीदार करवाएं वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनके दोबारा जिंदा होने की दुआ की तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी यह हक नहीं दिया कि इसे राबता रखे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई इसके करीब ना जाता और इस तरह वो जिल्लत की मौत मर गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे और हमें अपनी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।